व्हाट्सअप लड्डूज एंड जेंटलमैन, मैड आर्मी एंड मेडोरेबल्स। आज मैं बेसिकली एक जगह पे जा रहा हूँ जो कि गणेशा टेम्पल है। गणेशा क्यों बोल रहा हूँ मैं, गणेश जी का टेम्पल है बेसिकली, और बहुत ही सुंदर है मैंने सुना है। तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वहाँ पे जा रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि वो बहुत बढ़िया होगा और वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। और एक और भी चीज़ देखी मैंने यार, बड़ी अमेजिंग चीज़ है कि जैसे विष्णु जी और ब्रह्मा जी के हमने टेम्पल्स नहीं देखे, मतलब मैंने नहीं देखे इतने ज़्यादा इंडिया में, लेकिन यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, जैसे कि कुछ जगहें हैं जहाँ पर पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं, तो वहाँ पर बाहर उनकी ब्रह्मा जी की मूर्ति रखी हुई है, मॉल्स के बाहर ब्रह्मा जी की मूर्ति रखी हुई है, और इसी तरीके से गणेश जी की भी मूर्ति रखी हुई है। हनुमान जी मैं अभी तक नहीं देख पाया हूँ, विच विल बी डेफिनेटली अ टास्क टू चेक आउट। एंड सो अभी गणेश जी वाला देखते हैं एंड दैट्स अबाउट इट। सो What are we waiting for? Let's go there and check that Ganesha temple. Out of the topic है लेकिन बस बहुत किकास लग रही है मेरे पीछे, right? I'm the king, I'm the king, I'm the king, king Maddy, I'm the king, I'm the king, I'm the king, coming back. सो फाइनली 2-3 घंटे की जद्दोजहद के बाद और राघव की बहुत सारी ड्राइविंग के बाद हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं एक अमेजिंग सी जगह पे जिसका नाम है गणेशा टेम्पल। मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पता है, तो हम मालूम करेंगे कि इस जगह का नाम क्या है और ये गणेश जी का टेम्पल यहाँ क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, वही मालूम करेंगे। और मैं आपको छोटा सा व्यू दिखाता हूँ कि कैसा व्यू लग रहा है वो। हम यहाँ से एंट्री करेंगे और यहाँ से आई एम होपिंग की एंट्री है। सो लेट्स गो, लेट्स चेक इट आउट कि अब क्या है और गणेश जी यहाँ कैसे हैं, किस वजह से हैं, और क्या यहाँ के लोग गणेश जी को भी उतना ही प्यार करते हैं जैसे इंडिया में लोग प्यार करते हैं गणेश जी को। लेट्स चेक इट आउट। और जहाँ से हमने गाड़ी पार्क करी है इससे थोड़ा सा आगे हम चलें और यहाँ पे गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियाँ आपको दिख रही होंगी, छोटी छोटी सी, क्यूट क्यूट से। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है लेकिन मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। गाड़ी का रंग देखो यार ज़रा, तो मतलब ऐसे रंग तुम्हें कहाँ मिलेंगे गाड़ियों के यार, सिर्फ यहीं पे थाईलैंड में। और लोग खूब फॉलो कर रहे हैं, टीका वीका लगा रखा है लोगों ने गणेश जी का, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा टीका मैंने देखा अभी किसी के माथे पे। आई होप वो टीका हम भी लगवाएं। और लाइक ए सेड, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या उसी तरीके से गणेश जी को प्यार करते हैं जैसे कि हमारे देश में हम गणेश जी को प्यार करते हैं। और ये हमारे क्यूट से गणेश जी जो कि बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। और मजाक से हटके लोगों के माथे पे जो टीका लगा हुआ है ना, वो बहुत ही सुंदर लगा हुआ है एंड इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल। और यहाँ पर भी लोग गणेश जी को पसंद करते हैं। मतलब इतनी बड़ी प्रतिमा है ये, मतलब क्या ही बताऊँ यार, दिल खुश हो गया मैंने देख के। तो मुझे देखना है कि अब आगे पूजा भी वैसे ही कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। तो शूज़ तो मैंने पहने हुए हैं अभी, अच्छा मतलब छोटे छोटे उन्होंने वो बना रखे हैं जहाँ पर उन्होंने शूज़ पहन रखे हैं, ये देखिए। ओके, और यहाँ पर छोटे गणेश जी हैं, फिर बहुत सारे और गणेश जी हैं, और फिर ये शिव जी और पार्वती जी, और लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पर शिव जी और पार्वती जी की। बहुत सारे और गणेश जी छोटे 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 छोटे, और बड़े वाले गणेश जी। At the same time, on the other side you have Ganesh ji here also. And अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे लोगों के माथे पे टीका भी लगा हुआ है, तो बहुत सुंदर है एक्चुअली। मैं क्लोजअप नहीं ले पा रहा हूँ। और आगे जाके आई थिंक वहाँ पे चढ़ाते हैं कुछ, वहाँ से खरीद के लोग चढ़ा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ दैट। भाई यहाँ पे भी बिल्कुल पूरे पूजा पद्धति के साथ दे आर फॉलोइंग दिस एंड अगरबत्तियाँ भी हैं, घंटियाँ भी हैं, टीका भी है एंड आई थिंक दे आर डूइंग परिक्रमा ओवर देयर। हाथ जोड़ के परिक्रमा कर रहे हो और पीछे कुछ घंटी सी भी बज रही है। चौथा नंबर आता है 10 इसका क्लोज अप ले लेंगे, स्टॉप करके फोटो भी ले लें। अगरबत्ती यहीं पे जला के चलिए अब मेन मंदिर में चलते हैं और लगवाते हैं टीका। फिर सेकंड राउंड पे तो लोग लाइन में लगे हुए हैं सब लोग, सो वी आर गोना बी इन द लाइन एज वेल। यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं हमारे। प्यारा टीका लगा रखा है यहाँ पे, टीका देख पा रहे हो आप लोग। तो यहाँ पंडित जी बता रहे हैं कि आरती ली कैसे जाती है और पहले छाती पे, फिर आँखों पे, फिर कानों पे और फिर मुंह पे और फिर सर पे ऊपर ले जाते हैं। बहुत बढ़िया आरती लेने का थाईलैंड का तरीका। और एक और भी चीज़ है भाई, मतलब खड़े होके नहीं चलते हैं भगवान के आगे, बिल्कुल रैंक के चलते हैं। अटर रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, मतलब जो भी लोग आगे मूव कर रहे हैं वो भी रैंक के चल रहे हैं। तो जैसा कि मैं बताते हैं ये लोग सब लोग पैर पीछे करके बैठते हैं, पैर आगे करके नहीं बैठते और आलती पालती मार के नहीं बैठते, भगवान की तरफ पैर नहीं करते मतलब। तो आलती पालती भी इज़ नॉट अ ट्रेडिशन ओवर हियर, सबने पैर पीछे कर रखे हैं। और नीज पे चलते हैं भगवान के आगे, थोड़ा रैंग रैंग के, ऐसा नहीं कि खड़े होकर चल जाएं, नहीं। तो विद ऑल दैट बीइंग सेड, अभी देखो यार टीका कितना मस्त लग रहा है जेन्युइनली, और गणेश जी पीछे कितने अमेजिंग लग रहे हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एंड यहाँ पर सब लोग अपने स्टाइल से पूजा कर रहे हैं थाईलैंड की पूजा पद्धति के हिसाब से। और वहाँ पे सबसे कूल चीज़ थी कि वो एक चीज़ को खिलाते हैं, वो बॉक्स है। मैं आपको दिखाता हूँ बॉक्स कैसा सा है, कैसा सा दिखता है। तो ऐसा सा ये बॉक्स दिखता है और इसे आप एक्चुअली खिलाते हो और इसमें से एक नंबर निकल के आता है। फिर आप अपना फ्यूचर पढ़ सकते हो या हॉरोस्कोप पढ़ सकते हो। और ये गणेश जी की विशाल काय प्रतिमा, मॉम फ्लेक्स करते हुए चश्मा और बहुत ही अमेजिंग सा फील हुआ मुझे यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। राघव अपनी अलग पिक्चर्स लेते हुए, क्योंकि राघव की हमने पिक्चर्स नहीं ली हैं। और जैसे हम उसे बोलेंगे राघव तेरी पिक्चर ले लेता हूँ तो राघव बोलेगा है मुझे नहीं खिंचानी, हमेशा की तरह। एंड दिस इज़ द बैक व्यू राइट नाउ। और आपको जो आवाज़ आ रही है वो बेसिकली उसी बॉक्स को हिला रहे हैं जिसमें वो लकी नंबर्स निकल के आते हैं और फिर उसके बाद हॉरोस्कोप मिलता है देखने के। चलिए आज के व्लॉग में इतना ही। आज हम आए थे गणेशा टेम्पल और बहुत सारे ऐसे और भी टेम्पल्स दिखाऊंगा, लेकिन सबसे जो अमेजिंग बात मुझे अभी तक लगी है ना आज की, वो ये टीका है। इतना सुंदर टीका मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा और शायद मेरे से वो भी हिल गया है, बट बहुत सुंदर टीका। और यहाँ पर आप अपने चीज़ें ले सकते हो, सोविनियर्स ले सकते हो यहाँ पे गणेश जी का, और फूल और पानी और जल जो भी आपको चढ़ाना है वो भी ले सकते हो। बाहर रेस्टोरेंट्स भी हैं और किसी प्रकार की कोई धक्का मुक्की नहीं। गणेश जी प्यार से मिल रहे हैं, सबसे दिल से मिल रहे हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं। लोग वेट कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं और गणेश जी फुल अपने रूप में यहाँ पर। तो आज के व्लॉग में इतना ही। अब वापस मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि पताया की तरफ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि बड़ा ही सुंदर मंदिर है और सारे के सारे हिंदू लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। और थाईलैंड में और पताया में और बैंकॉक में बहुत सारे और भी मंदिर हैं। सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए नहीं जाना जाता जिन चीज़ों की वजह से आप जानते हैं, आप बात करते हैं। किसी भी शहर की वैल्यू बढ़ाना लोगों का काम होता है और गिराना लोगों का काम होता है। बाकी थाईलैंड के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन थी उसका थोड़ा सा पॉइंट मैंने चेंज कर दिया, पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। मंदिर बहुत हैं यहाँ पे, गणेश जी के भी हैं, ब्रह्मा जी के भी हैं और मेरे ख्याल से हनुमान जी का भी होगा। मैं तो हनुमान जी का मंदिर ढूंढ रहा हूँ। और फिलहाल बहुत प्यारा सा व्यू मेरे पीछे, नदी है यहाँ पर पूरी की पूरी और रेस्टोरेंट्स भी हैं। ये मेरे घर वाले यहाँ पर आते हुए और ये बहुत ही प्यारा सा राइट हैंड साइड पर एक रेस्टोरेंट का है। मतलब ये सारे रेस्टोरेंट्स ही हैं इस साइड पर। और ये व्यू देखो ज़रा एक बार यार, बड़ा प्यारा व्यू है। तो व्लॉग को एंड करते हुए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थाईलैंड को सिर्फ उन्हीं नज़रों से मत देखिए जिन नज़रों से आप देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं, यहाँ भी उसी तरीके से लोग रहते हैं जैसे कि आपके शहर, आपकी सिटी, आपकी जगह पर रहते हैं। और पुराने टाइम की एक साइकिल, मिलिट्री साइकिल, बड़ी प्यारी सी लग रही है और बगल में रेस्टोरेंट। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि हर शहर, हर सिटी को बनाने वाले लोग होते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ाने वाले लोग होते हैं। और थाईलैंड, पताया, बैंकॉक, ये जगहें भी वैसी हैं जैसे आपका शहर, आपकी जगह। और यहाँ पर भी मंदिर हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, बहुत सारे, इतने सारे कि मतलब मैं आई डोंट थिंक कि मैं सबको कवर कर सकता हूँ, बट कुछ मैं ज़रूर कवर करूँगा और वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है रैपर मैडी। और क्या करना है माते, सब्सक्राइब करना है। हाँ। और क्या करना है, लाइक करना है और फॉलो करना है। हाँ। ठीक है, तो मेरी मॉम ने भी कह दिया, अब तो आप सभी लोग फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के व्लॉग में इतना ही। पीस आउट, दिस इज़ रैपर मैडी फ्रॉम थाईलैंड। I'm the king, I'm the king, I'm the king, King Maddy, I'm the king.